नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन रिजल्ट के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के रिजल्ट को लेकर के एक न्यूज़पेपर कटिंग बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में वायरल हो रही है। आखिर इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे, साथ ही पिटीशन का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है फ्रेंड, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या इंडिया में और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ तक कि 400 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स का आप 26,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कैसे? तो केवल और केवल एक सिंगल टेस्ट बुक पास से। तो जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरह का प्लान है, एक है 1 ईयर प्लान, एक है 3 ईयर प्लान। 1 ईयर का प्लान का ओरिजिनल प्राइस है 399, लेकिन यदि अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे थे उमंग 10, तो आपको पूरा 30% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा मात्र 280 रुपीज़। उसी तरह से 3 ईयर वाले पे आपको पे करना पड़ेगा मात्र 490 रुपीज़। तो जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास परचेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग के ऊपर लेकर के आ चुका हूँ फ्रेंड। ये न्यूज़पेपर कटिंग एक्चुअली स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और लगातार स्टूडेंट्स के क्वेरी पे क्वेरी आ रहे हैं, सर प्लीज़ आप इसको वेरीफाई करके बताएं ये सही है कि गलत है। हालांकि मैंने अपने स्तर से इसे इंटरनेट पर खोजने का पूरा कोशिश किया, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स में कुछ स्टूडेंट्स से पूछा कि किसी को इस न्यूज़पेपर का नाम, इस न्यूज़पेपर का डेट, इस न्यूज़पेपर का एडिशन पता हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया जा रहा है जिससे कि आप इसको फर्जी बता सके। मतलब इसमें जो भी बातें क्लेम की जा रही है, न्यूज़पेपर वालों ने पूरा अपना सेफ साइड रखा है। मतलब इसके बेसिस पे आप उनको कहीं से भी कल को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि आपने तो कहा था कि 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आज तो 16 तारीख है तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। क्योंकि यहां पे हमेशा संभावना वाली बात लिखी गई है फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहां पे रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 35,281 पदों पर भर्ती के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक घोषित किए जाने की संभावना है। ये वर्ड देख रहे हैं, संभावना। इस संभावना के बेसिस पे ये तो कह देंगे ना कि हमने तो संभावना जाहिर किया था, हमने कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कि हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल मिला है, जो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें भी सेम बातें कही जा रही है, कुछ नया नहीं कहा जा रहा है। इसलिए मैंने थंबनेल में भी जो मतलब कि इमेज लगाई है वो उसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल का लगाया जो मुझे इंटरनेट पर मिला है। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ें मैं खुद इंटरनेट पर वेरीफाई नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं उसे स्टूडेंट्स के बीच में पब्लिश नहीं करता हूँ। ओके, ये आपको मैं लेकर आ चुका हूँ न्यूज़ 18 का ऑफिशियल वेबसाइट पे, hindi.news18.com। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कहा जा रहा है, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2021, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक हो सकता है जारी। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद अपनी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए फ्रेंड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिस दिन वो आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिए थे, उसी दिन से अपनी वो तैयारियों में लग गए हैं, समझे मेरी बात को। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग आप ऐसा सोच रहे कि मेरा सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब मैं तैयारी में लगूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। तो फिर आप तो उन स्टूडेंट्स अभी ही पीछे हो जाएंगे जो स्टूडेंट्स अपना जिस दिन उनका एग्जाम खत्म हुआ था उसी दिन से तैयारी से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मानना था यदि उनका एग्जाम मतलब कि फेज 1 में या फेज 2 में हुआ है तो ठीक है, उनको मतलब फेज 6 और फेज 7 के स्टूडेंट्स के मुकाबले कम टाइम मिला है। लेकिन उनको ज्यादा टाइम मिला है किन के मुकाबले, तो जिनका मतलब सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए ज्यादा टाइम मिला है, क्योंकि उनका एग्जाम फेज 1 में ही हो गया है। ओके फ्रेंड्स, और असली जो गेम वो सीबीटी 2 में ही है, क्योंकि सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वो सीबीटी 2 के बेसिस पे ही होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, आपने देखा होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स के सीबीटी 1 में हम लोगों ने एग्जामिनेशन रिव्यू किया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था। तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिटेल बता चुके हैं, उसके बारे में और भी यहां पे डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपने अगले डिस्कशन की तरफ, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर के हम लोगों ने जो पिटीशन रिलीज़ किया है उसमें अभी तक कितने साइन हुए हैं। तो अभी तक साइंस की बात करें फ्रेंड, तो 12,110 साइन हो चुके हैं फ्रेंड। इसलिए अभी तक आपने साइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पिटीशन का लिंक, साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस पिटीशन का लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप इस पिटीशन को साइन कीजिए। बहुत से लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि जो भी छोटे यूट्यूबर्स हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले सब्सक्राइबर्स हैं, इनके द्वारा चाहने से कभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं होगा, जब तक बड़े यूट्यूबर्स नहीं चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, उनकी सोच को भी सैल्यूट है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं शुरू से एक बात को मानता हूं, हमारे हाथ में प्रयास है परिणाम नहीं, पर विडंबना यह है कि लोग परिणाम देखना पसंद करते हैं प्रयास नहीं। हाँ, उमंग स्टडी का यह फेलियर है कि उमंग स्टडी ने आरआरबी पटना को विजिट किया, वहां से उमंग स्टडी को रिजल्ट लेकर के नहीं आ पाई, यानी कि जो भी हमें आश्वासन मिला कहीं ना कहीं वो आश्वासन झूठा साबित हुआ। आज आप लोगों का 13 तारीख है फ्रेंड, और हम लोग 13 सितंबर को आरआरबी पटना विजिट किए थे, वहां पर हमें कहा गया था कि कभी भी जो है आपका एग्जाम डेट का नोटिस जो है जारी
हो सकता है, लेकिन अभी तक एक महीना बीत जाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि उमंग स्टडी अपने स्तर से प्रयास नहीं किया। उमंग स्टडी ने प्रयास अपने स्तर से जरूर किया और ये हम लोगों का प्रयास का ही एक नतीजा है पिटीशन फ्रेंड, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्योंकि एक बात तो आपको मानना पड़ेगा फ्रेंड, जो भी फिजिकल प्रोटेस्ट होगा इसमें परेशानियां सबको होंगी, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को परेशान होना पड़ेगा फ्रेंड। क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट कहने के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट होता है, लेकिन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड, जिस दिन हम लोगों ने आरआरबी पटना का प्लान बनाया था, हम लोगों ने किसी अदर सिटी के स्टूडेंट्स को तो नहीं बुलाया था, लेकिन जो भी पटना के स्टूडेंट्स उनको डेफिनेटली बुलाया था। आप खुद मुझे बताइए कितने स्टूडेंट पहुंचे थे, मुश्किल से 7 स्टूडेंट पहुंचे थे, यानी कि 10 से भी संख्या कम थी। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद मौका नहीं मिला, उसके कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि DFCCIL का एग्जाम देने के लिए भोपाल गए हुए थे, वैसे स्टूडेंट्स खुद आप सभी के लिए आ गए थे, अब वो आरआरबी भोपाल मतलब कि जाने का वो किए थे। हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि भोपाल के जो भी स्टूडेंट्स होंगे प्लीज आप लोग उनके साथ होइए। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको ये चीजें साबित तो करनी पड़ेगी कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी को आपको साबित करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक मतलब कि पिटीशन रिलीज किया था। आप खुद सोच के देखिए, जहां 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं वहां पे मात्र अभी तक पिटीशन में 12,000 साइन हुए हैं। तो इससे हम क्या समझे फ्रेंड, हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर आप लोग चाहते क्या है। क्या यही 12,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं ग्रुप डी का एग्जाम डेट जारी हो? और ऐसा नहीं कि हमारी बात स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी स्टूडेंट्स प्रॉपर बात तक पहुंच रही है, हमारे वीडियोस को स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं, फिर भी उन्हें अभी तैयारी का और समय चाहिए या क्या समय चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा फ्रेंड। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोगों का वो आप सभी स्टूडेंट्स हैं। हर कोई हम लोग आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं फ्रेंड, लेकिन चलना उस पर आप ही को होगा। इसलिए सारे स्टूडेंट्स से फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम इस 12,000 जो सिग्नेचर है इसको सबसे पहला जो टारगेट रखते हो मिनिमम 1,00,000 का टारगेट रखते हैं। हम लोग 1,00,000 भी साइन नहीं कर पाते हैं तो मतलब और आप लोग क्या परेशानियां हो रही साइन करने मुझे भी बताएं। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से साइन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे मतलब मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे साइन कर चुका हूँ, नहीं तो मैं आपको साइन करके बताता हूँ यहाँ पे कैसे आप लोगों को साइन, मैंने साइन कर दिया है इसलिए यहाँ पे मुझे शेयर का ऑप्शन दिखा रहा है। कुछ भी नहीं करना, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको साइन करने के लिए कहा जाएगा। साइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे जैसे कि आपका नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, आपसे आपका जैसे कि लास्ट नेम पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसके बाद आप कौन से शहर में रहते हैं वो और उसका पिन कोड पूछा जाएगा। उसके नीचे आपको एक टिक मार्क में मिलेगा जहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा चूज करने का, आप अपना नेम और जो भी आपका डिटेल है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोग जिन भी टीचर्स से जुड़े हुए या जिन भी एडुकेटर्स को आप लोग फॉलो करते हैं, जिन भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि काइंडली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये उमंग स्टडी के द्वारा पिटीशन रिलीज किया, आप इस पिटीशन पे ही साइन करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आप लोग अपने स्तर से उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम डेट को जारी करवाने में हेल्पफुल साबित हो, काइंडली आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते। हो सकता है वो लोग कुछ नया आइडिया प्रेजेंट करें, जो हमें सही लगा वो हम लोगों ने आपको प्रेजेंट। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा, सर इतना जब हम लोग कुछ कर लिए, फ़ोन कॉल कर लिए, RTI कर लिए, ईमेल कर लिए, PGP पोर्टल कर लिए, राइट टू प्राइम मिनिस्टर कर लिए, ट्विटर कैंपेन कर लिए, इतना कुछ से नहीं हुआ तो ये change.org से क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड, इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा, हम लोगों ने पहले भी आपको कहा था कि जैसे जैसे आपके साइंस बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों का रीच बढ़ता है। तो change.org के ऑफिशियल टीम की तरफ से मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे मतलब आज हम लोग इस पर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वो मुझे गाइड करेंगे किस तरीके से आपको अपना मतलब change.org का जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी जगहों पे हम लोगों का जो मुद्दा है RC ग्रुप डी एग्जाम डेट का मुद्दा अपने स्तर से वो लोग हाईलाइट करेंगे और भी वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए फ्रेंड, 10 से 12,000 साइंस में ये change.org की ऑफिशियल टीम तक हमारी बहुत पहुंच रही है, वहां से हमें कॉल आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड कहते नहीं कि डूबते को तिनका का सारा, मरता क्या नहीं करता, हम लोगों का जो सिचुएशन अभी कुछ ऐसा ही है फ्रेंड। हम लोगों के लिए कहते नहीं है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो हम लोग से जो भी बन पा रहा हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, कहीं से भी छोटा सा भी हिंट मिलता है हम लोग उसके लिए जैसे कि मतलब हम लोग यहां तक अरबी पटना से ये तक रिक्वेस्ट किए थे कि आप स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस तो जारी कर दीजिए कि आप जैसे कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल था इसके से इसके बीच में हो जाएगा, किसी कारण से इसके बीच में नहीं हो पाया, अभी के लिए एग्जाम पोस्टपोन है, जब भी इसके रिगार्डिंग मतलब कि एग्जाम डेट डिसाइड हो जाएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आप समझिए कि जिस तरीके से ग्रुप डी एग्जाम डेट के ऊपर आरबीएस के द्वारा चुप्पी साधी गई है, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। एक नोटिस तो जारी कर सकते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ईमेल के थ्रू रिप्लाई करेंगे, लेकिन वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं जारी करेंगे। ये बहुत ही बड़ी जैसे कि कहीं ना कहीं अंदर लेवल पे हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल पे गेम चल रहा हो, इसलिए अब सभी को यूनाइटेड होकर के फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए डिसीजन लेने का समय आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी का इसके बारे में क्या राय होगा, क्या आप सभी फिजिकल प्रोटेस्ट से रेडी हैं या नहीं है, तो साइन करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।